रीवा, चलो बेटा चलो, मैं कहता हूँ मेरी बात मानो, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ईशान अब यहाँ आएगा। एक बात समझ लो, अगर किसी से गलती एक बार हो तो वो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन वही गलती बार बार हो उसका मतलब है कि इस आदमी को गलती करने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं रीवा, कम ऑन लेट्स गो। स्वाति वहिनी प्लीज प्लीज, आप लोगों ने इतना इंतजार किया है, कुछ देर और सही। स्वानंद भाव प्लीज। चलो रीवा। स्वानंद भाव प्लीज, ऐसे मत जाइए। रीवा साहब, रीवा ईशान, हरनी की तबीयत कैसी है अब? और सवी, वो भी ठीक है ना ईशान? गप्पा बसा। सबसे पहले तो मुझे ये बता कि उस सवी ने अपनी बहन हरिणी को सच बताया कि नहीं, या फिर उसका हमारे घर में री एंट्री मारने का प्लान है। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा और रीवा का फ्यूचर क्या है। क्या तुम उसे फिर से छोड़ दोगे? बोलो ईशान, हम सबको सच जानने का हक है। आपने तो मेरे सभी से शादी की है। थैंक यू ईशान जीजू। आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप नहीं जानती मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। ईशान जवाब दो, अब तुम चुप नहीं रह सकते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।